दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंडियन सिनेमा की तीन ऐसी मूवीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें अब तक के सबसे महंगे कॉस्ट्यूम का यूज किया गया है। नंबर तीन पर आती है फिल्म बाजीराव मस्तानी। आईना महल जैसे चमचमाते फिल्म सेट से लेकर 45 लाख की ज्वेलरी तक संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए पैसों से कोई समझौता नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने बाजीराव मस्तानी फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए थे। अब अगला सबसे महंगा कॉस्ट्यूम यूज हुआ है रोबोट फिल्म में चिट्टी के रूप में रजनीकांत के परफॉर्मेंस को आज भी उनका आइकॉनिक रोल्स में से एक माना जाता है। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए इस कॉस्ट्यूम की कीमत 3 करोड़ रुपए थी। अब इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा कॉस्ट्यूम यूज हुआ है रावण फिल्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मूवी उस समय पूरी तरह से यूनिक थी, तो इसलिए फिल्म में SRK के रोबोटिक कॉस्ट्यूम का प्राइस भी चौंका देने वाला था। जी हां, फिल्म में यूज किए जाने वाले रोबोटिक कॉस्ट्यूम को लगभग 4.5 करोड़ रुपए में बनवाया गया। बाय द वे, आपको इनमें से सबसे अच्छा कॉस्ट्यूम कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।